बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड गुड एंड यू ऑल हैव डन रिटन प्रैक्टिस ऑफ द प्रीवियस लेक्चर इन योर रफ नोटबुक्स। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू बुक पेज नंबर 85 ऑन रफ पेज। स्टूडेंट्स, आज हम बुक पेज नंबर 85 को रफ पेज पे सॉल्व करेंगे। जिस तरह मैंने बुक पेज नंबर 85 का एक क्वेश्चन रफ पेज पे राइट किया है, आप सब भी बुक से इसी तरह ये क्वेश्चन नीट राइट करें। बुक पेज नंबर 85, टॉपिक इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वन डिजिट नंबर्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आज हम करेंगे वन डिजिट नंबर की। क्वेश्चन है मैच, हमने फिर मैच करना है। जैसे 8 और 4 वन डिजिट नंबर हैं, तो यहाँ ये है सिंबल ऑफ सब्ट्रैक्शन और 2 + 3 है, तो 2 भी सिंगल डिजिट है, वन डिजिट नंबर है, और 3 भी वन डिजिट नंबर है, और दरमियान में है सिंबल ऑफ एडिशन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो आंसर आएगा, तो उसको हमने मिड वाले कॉलम के डिजिट के साथ मैच करना है। 8 - 4 से जो आंसर आता है, तो उसको हमने इस मिड वाले कॉलम में उसी नंबर के साथ मैच करना होगा। अब फर्स्ट हमारे पास है 8 - 4, तो इक्वल सिंबल। 8 से जब हम 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 4। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 4 - 2। 4 नंबर से 2 नंबर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर आएगा 2। नेक्स्ट है 7 - 6। 7 नंबर से जब हम 6 नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आंसर आता है 1। 5 नंबर से जब हम 5 नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 - 6 इक्वल टू, हमारे पास आंसर आएगा 3। 9 - 0 इज इक्वल टू, 0 को किसी भी नंबर से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वही नंबर आएगा, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 - 2 इज इक्वल टू, 8 से जब हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 6। 9 - 4 इज इक्वल टू, 9 से जब हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 5। 8 से जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आंसर आता है 7। और 9 से जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आंसर आता है 8। सब्ट्रैक्शन हमने कर ली, अब हम राइट साइड पे एडिशन करेंगे वन डिजिट नंबर की। 2 + 3, 2 के साथ जब हम 3 नंबर ऐड करते हैं, तो आंसर आता है 5। फिर 0 + 0, 0 के साथ जब हम 0 ऐड करते हैं, तो आंसर आता है 0। 2 + 2 इज इक्वल टू 4। 1 + 0 इज इक्वल टू 1। 2 + 1 इज इक्वल टू 3। 1 + 1 इज इक्वल टू 2। 5 + 3 इज इक्वल टू 8। 7 + 2 इज इक्वल टू 9। 3 + 3 is equal to 6. 2 + 5 is equal to 7. अब हमने राइट और लेफ्ट साइड पे आंसर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम इन आंसर को मिड वाले कॉलम में जो नंबर्स हैं, तो उसके साथ हम मैच करेंगे। पहले हम सब्ट्रैक्शन वाला साइड मैच करते हैं, और उसके बाद हम एडिशन वाले साइड को मिड वाले कॉलम के साथ मैच करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट का आंसर है 4,
मिड वाले कॉलम में अब हम 4 को देखेंगे और उसके साथ ये 4 मैच करेंगे। डिफरेंट कलर से आप मैचिंग कर सकते हैं। 4 को हम नंबर 4 के साथ ऐसे मैच करेंगे। नेक्स्ट में हमारे पास आंसर है 2, तो अब हम इसको नंबर 2 के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आंसर आया है 1, हम नंबर 1 के साथ मैच करेंगे इस नंबर को। नेक्स्ट हमारे पास आंसर आया है 0, 5-5 तो 0 आंसर आता है। तो 0 हमारे पास टॉप पे है मिड वाले कॉलम में, तो हम इसको ऐसे मैच करेंगे। नेक्स्ट आंसर आया है 3, तो नंबर 3 के साथ हम ऐसे मैच करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आंसर आया है 9, तो मिड वाले कॉलम में 9 सबसे लास्ट नंबर पे है, तो 9 को हम ऐसे मैच करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आंसर है 6, 6 को हम मैच करेंगे, बिल्कुल इसके सामने है 6। सिक्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट आंसर आया है 5, तो 5 को हम नंबर 5 के साथ मिड वाले कॉलम में ऐसे मैच करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आंसर आया है 7, और लास्ट में हमारे पास आंसर है 8। 8 को अब हम मैच करेंगे नंबर 8 के साथ। सब्ट्रैक्शन साइड को हमने 0 से 9 तक नंबर्स के साथ मिड वाले कॉलम में मैच किया। अब हम एडिशन साइड को मिड वाले कॉलम के साथ 0 से 9 तक जो नंबर्स है उसके साथ हम मैच करेंगे डिफरेंट कलर से। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास आंसर आया है 5, तो 5 को हम मिड वाले कॉलम में जो 5 है उसके साथ मैच करेंगे विद द हेल्प ऑफ कलर। नेक्स्ट हमारे पास आंसर है 0, इसको हम ऐसे मैच करेंगे कलर के साथ। नेक्स्ट हमारे पास आंसर आया है 4, नंबर 4 को अब हम मिड वाले कॉलम में 4 के साथ ऐसे मैच करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आंसर है 1, तो 1 को हम मैच करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आंसर आया है 3, नंबर 3 को हम मिड वाले कॉलम में
थ्री के साथ ऐसे मैच करते हैं। नेक्स्ट आंसर हमारे पास आया है टू। टू को हम मिड वाले कॉलम में टू के साथ ऐसे मैच करेंगे कलर की हेल्प से। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है एट। नंबर एट को हम मैच करेंगे मिड वाले कॉलम में एट के साथ नेक्स्ट आंसर हमारे पास आया है नाइन। तो नाइन को भी हम मैच करते हैं नाइन के बाद हमारे पास आंसर आया है सिक्स। तो सिक्स को हम मैच करेंगे मिड वाले कॉलम में नंबर सिक्स के साथ और लास्ट हमारे पास आंसर है सेवन। सेवन को हम मिड वाले कॉलम में नंबर सेवन के साथ मैच करेंगे स्टूडेंट्स। आप सबने भी बुक पेज नंबर 85 की रफ कॉपी में इस तरह प्रैक्टिस करनी है और कलर की हेल्प से आप सबने नीट नीट मैचिंग करनी है। ओके बाय स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो।